नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। दोस्तों, मैं बात करूं अगर सुष्मिता सेन की, आप सभी की फेवरेट सुष्मिता सेन एक ऐसी हीरोइन है जिसने बॉलीवुड में अपनी अलग ही इमेज बनाई है। जी हाँ, सुष्मिता सेन की एक बात सबसे अलग लगती है कि सुष्मिता सेन शादीशुदा नहीं है, फिर भी उनकी दो बेटियां हैं जो उन्होंने गोद ली हैं और उनके साथ लगातार वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। सबसे बेस्ट मॉम जो उनको अवार्ड उनकी बेटियों के द्वारा मिला गया, वो भी आपने देखा। और अगर अभी हम फिलहाल बात करें सुष्मिता सेन के भाई और भाभी की, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि एक बड़ी दरार उनके बीच में फिर से आ गई है। जी हाँ, सुष्मिता सेन के भाई और भाभी के बीच सब कुछ बीते काफी दिन से ठीक नहीं चल रहा है। लगातार राजीव सेन और चारू असोपा के रिश्ते में दरार की खबरें सामने आ रही हैं। इन खबरों के बीच इन दोनों सितारों ने ऐसा फैसला लिया है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल चारू असोपा और राजीव सेन ने एक दूसरे को इंस्टा से अनफॉलो कर दिया है। इन दोनों सितारों के इस कदम ने रिश्ते में दरार की खबरों को और भी ज्यादा हवा दे दी है। चारू असोपा और राजीव सेन की एक बेटी है जो 4 महीने की है। इस प्यारी की बच्ची का नाम जियाना रखा है। जियाना के जन्म के कुछ वक्त बाद चारू अपने मायके बीकानेर चली गई थी। इसके बाद से वो वहीं पर है, वापस मुंबई लौट कर नहीं आई। हालांकि चारू अपनी बेटी के साथ वीडियो और तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है। वहीं कुछ दिन पहले राजीव सेन ने अपनी बेटी जियाना के लिए एक पोस्ट किया था, जिस पोस्ट के बाद से इन दोनों के रिश्तों में खटास की खबरों को भी जोर दिया। राजीव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर बेटी जियाना के साथ तस्वीर शेयर कर पोस्ट लिखा, जियाना डैडी के पास अपने घर वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग सेफ नहीं है, तुम्हें लंबे समय से नहीं देखा है, जल्दी से आओ और मेरे साथ खूब खेलो। चारू असोपा ने 7 जून 2019 को सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन से शादी की थी। इन दोनों की एक बेबी गर्ल है जिसका नाम जियाना है। चारू आए दिन अपनी बेटी और पति संग तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। इसके साथ ही चारू फेसबुक पर अपना ब्लॉग भी चलाती हैं और छोटी से छोटी बात फैंस के साथ शेयर करती हैं। आपको बता दें कि यूट्यूब पर चारू इस ऊपर उनके जो पति हैं दोनों का एक चैनल बना हुआ है और उस पर लगातार वो लोग व्लॉग शेयर करते रहते हैं और अपनी जिंदगी से जुड़ी निजी से निजी बातों को भी सबके और अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं, जो कि फैंस को काफी पसंद भी आ रहे हैं। लेकिन अब जो इस रिश्ते में दरार आ रही है, तो देखते हैं कि अब फाइनल क्या होने वाला है। और आपको ये भी बताते चले कि कई बार ऐसा हो चुका है, जियाना के होने से पहले भी ये लोग के बीच में कई बार दरार भी आई है, जो कि ठीक भी हो गई है। अब क्या दरार आई है उसकी भी हम अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे और हमारे चैनल को आप तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।